नवाबों के शहर लखनऊ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग घूमेंगे भारत के नंबर वन हाईटेक बस स्टेशन आलमबाग बस स्टेशन टर्मिनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि कितना खूबसूरत इसको बनाया गया है और ऐसे क्या कारण हैं जिसकी वजह से इसको भारत का नंबर वन हाईटेक बस स्टेशन बोला जा रहा है। सो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ और इंजॉय कीजिए इस जर्नी को। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और आपके पास अगर कोई भी एक्सपीरियंस है या आप इस वीडियो के बारे में हमें बताना चाहते हो तो कमेंट के थ्रू आप हमें जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और इंजॉय करते हैं इस खूबसूरत सी जर्नी को। सो फ्रेंड्स, आलमबाग बस स्टेशन जो 3 से 4 साल पहले बहुत ही कंस्ट्रक्टेड बस स्टेशन हुआ करता था या ट्रैफिक की वजह से जाना जाता था, आज ये बस स्टेशन पूरे भारतवर्ष में एक हाईटेक बस स्टेशन के नाम से जाना जा रहा है। भारत में ऐसा पहली बार हुआ है कि इस तरह के बस स्टेशन का निर्माण किया गया है। तो दोस्तों, इसका निर्माण 3 से 4 साल पहले स्टार्ट किया गया था, जो सपा सरकार में श्री अखिलेश यादव जी थे उनका और PPP के पार्टनरशिप के थ्रू स्टार्ट किया गया था। मैं आपको बता दूं, PPP इसका मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि ऐसे जो बड़े कंस्ट्रक्शन होते हैं उसमें गवर्नमेंट के साथ कुछ प्राइवेट कंपनियां मिलके बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन का निर्माण करती हैं। लाइक आपका जो मेट्रो होता है या आपकी जो एयरपोर्ट होते हैं, उस तरह के निर्माण हमारी गवर्नमेंट PPP से रिलेटेड कंपनियों से मिलके करती है। तो इसके बेसिस पे इसका निर्माण किया गया है। सो ये दो रीजन की वजह से काफी फेमस है, अपने आर्किटेक्चर और दूसरा जो है वो इसकी हाई टेक्नोलॉजी। तो हम लोग एंजॉय करेंगे इसके हाई आर्किटेक्चर के बारे में कि कैसे किस तरह से इसको बनाया गया है। अगर आप इसको एंजॉय करना चाहते हो इसकी विजिट को, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे रात में विजिट करो, क्योंकि रात में इतनी सारी लाइटें लगाई गई हैं, रात को आपको ये बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। सो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि इसका जो लागत लगी है उसको 235 करोड़ की लागत से बनाया गया है और इसमें बहुत सारी हाई टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। लाइक मैं आपको बता दूं कि अगर आप जो भी आज की जनरेशन है, आपको पता है कि इंटरनेट यूज करना लोगों को बहुत पसंद है, तो यहाँ पे वाईफाई की व्यवस्था फ्री की गई है और यहाँ पे जो सिक्योरिटी रीजन है उसकी वजह से CCTV कैमरे चारों तरफ लगाए गए हैं और यहाँ पे और भी बहुत सारी फैसिलिटी दी गई है जिसकी वजह से इसे हाईटेक बोला जाता है। लाइक आपने सुना होगा कि जो टेक्नोलॉजी है हमारे देश में बहुत तेजी से बदलाव ले रही है, जैसा कि ये मैजेंटा लाइन अभी कुछ पिछले साल स्टार्ट की गई थी जिसमें पूरी तरह से ऑटोमेशन का यूज किया गया था, ड्राइवर लेस थी, उसी तरह से यहाँ पे कुछ ऑटोमेशन का यूज किया गया है। लाइक यहाँ पे आपको जो भी डोर देखने को मिलते हैं वो ऑटोमेशन लैस हैं और यहाँ पे जो सिक्योरिटी चेकिंग है वहाँ पे मेटालिक, आपने सुना होगा कि कोई भी चीज़ मेटल से रिलेटेड पास होती है तो मशीनें इंडिकेशन करना स्टार्ट कर देती हैं। तो ऐसी बहुत सारी री सिक्योरिटी रीजन की वजह से चीज़ें यहाँ पे लगाई गई हैं और इस बस स्टेशन को नॉर्मल आम आदमी से लेकर VIP तरह के लोगों के लिए बनाया गया है। और यहाँ पे आपको जान के हैरानी होगी कि भारत में ऐसी पहली बार हुआ है कि यहाँ पे आपको वेटिंग रूम जो है वो AC वेटिंग रूम बनाए गए हैं और यहाँ पे नॉन AC भी है और यहाँ पे आपको सारी चीज़ों का कम्बिनेशन मिल जाता है। लाइक आपके पास AC वेटिंग है, फिर यहाँ पे मूवी हॉल है, फूड कोर्ट मिल जाता है आपको और यहाँ पे शॉपिंग मॉल मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं AC वेटिंग रूम है और सामने फूड कोर्ट है और यहाँ पे फूड कोर्ट है, उसके साथ साथ यहाँ पे जो भी ब्रांड के फूड होते हैं उनकी शॉप यहाँ पे हैं। फूड लाइक आपको किसी को बर्गर खाना है, किसी को पिज्ज़ा खाना है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे व्यवस्था की गई है। यहाँ पे आपको बिगीज मिल जाएगा और यहाँ पे शॉपिंग मॉल है, अगर कोई घूमना चाहता है या वहाँ से कोई शॉपिंग करना चाहता है तो वहाँ से जाके शॉपिंग कर सकता है और अगर कोई इंटरटेनमेंट से रिलेटेड कुछ इंजॉय करना चाहता है तो यहाँ पे सिनेमा घर है, तो वहाँ पे 6 स्क्रीन की सिनेमा घर है, तो वहाँ पे जाके आप इंजॉय कर सकते हो। तो कितनी अच्छी चीज़ें यहाँ पे बनाई गई हैं और ये बहुत ही गर्व की बात है लखनऊ वासियों के लिए और बल्कि उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, भारत वासियों के
के लिए कि इस तरह के बस स्टेशन हमारे भारत में बनाए जा रहे हैं। तो ये सारी टेक्नोलॉजी देख के बहुत ही सीखने को मिलता है कि हमारा देश किस तरह से आगे बढ़ रहा है, किस तरह से बदलाव हो रहे हैं हमारे देश में। और सो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लोगों को ट्रैफिक से बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। और आजकल आप देख रहे हो कि लोग ट्रेन से, अगर जिनका रिजर्वेशन नहीं रहता है वो ट्रेन से सफ़र करना पसंद नहीं करते हैं, तो मैक्सिमम लोग ये प्रेफर करते हैं कि उन्हें बस से सफ़र करने को मिल जाए। तो बस स्टेशन जो बसें हैं वो काफ़ी मात्रा में चलाई जा रही हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि यहाँ पे जो एक दिन का संचालन है वो 750 बसों का संचालन किया जाएगा। तो 750 दोस्तों बहुत ही बड़ी संख्या होती है। और यहाँ पे जो भी डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट हैं लखनऊ के, जैसा कि आप जानते हो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो यहाँ से जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे बस जाने के लिए यहाँ से मिल जाएगी। जो लॉन्ग डिस्टेंस है सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसा कि यहाँ से 30 बसें जो हैं वो गोरखपुर के लिए चलाई जाएंगी, 14 बसें बनारस के लिए और 94 एसी लग्जरीज बसें चलाई जाएंगी दिल्ली के लिए। तो कितनी सारी बसें हैं जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी हेल्प होगा। और लोग बस से ही प्रिफर करते हैं क्योंकि उन्हें एक सीट मिल जाती है, लोग आराम से सफ़र कर लेते हैं। तो इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन को जोड़ा जा रहा है इंडिया में, ये बहुत ही अच्छी बात है। और एक और अच्छी बात है लखनऊ वुमेन के लिए, जो गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है कि यहाँ पे 50 पिंक बसें चलाई जाएंगी, जिसकी वजह से जो वुमेन हैं जिनको बहुत ही प्रॉब्लम होती है नॉर्मल बसों में सफ़र करने में, तो उनको आसानी से वो उसका आनंद उठा पाएंगी। 50 पिंक बसें चलाई जा रही हैं जो सिर्फ वुमेन के लिए होंगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ हैं। और यहाँ पे डिजिटल स्क्रीन का यूज़ किया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया हाईटेक। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक आपको डिजिटल स्क्रीन मिल जाता है, फिर यहाँ पे मिक्स्ड एयर कूलिंग मिल जाता है। यानी कि मिक्स्ड एयर कूलिंग का मतलब कि जहाँ पे ओपननेस है, लाइक आप इस प्लेस पे देख सकते हो, ना यहाँ पे पंखे लगाए जा सकते हैं ना एसी लगाया जा सकता है, तो इस तरह के प्लेस पे मिक्स्ड एयर कूलिंग की व्यवस्था की गई है जो ठंडी ठंडी हवाओं को जनरेट करने में मदद करती है। तो ये जो मिक्स्ड कूलिंग है वो आपको 5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आपको एहसास दिला सकती है। यानी कि अगर आप बाहर 50 का एहसास कर रहे हो, अंदर जाके आपको 45 का डिग्री सेल्सियस का अनुभव होगा। तो अगर आप बाहर गर्मी फील कर रहे हो तो अंदर जाके आप काफ़ी राहत फील कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यूपी गवर्नमेंट ये भी प्लान कर रही है कि ऐसे 21 बस अड्डे बनाने का जो इनका प्लान है, तो आप देखिए कब तक इनका कंप्लीट होता है। और ऐसे ही यहाँ पे नॉर्मल लोगों के लिए भी है। और यहाँ पे जो एम्प्लॉई हैं, लाइक आप देखते हो कि जो बस कंडक्टर होते हैं, जो ड्राइवर होते हैं, काफ़ी दूर से सफ़र करके आते हैं, तो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती है, लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं रहती है। बट इस बार गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है कि उनके लिए डोरमेट्री बनाई गई है जहाँ पर लोग जाके आराम कर सकते हैं, लोगों के खाने पीने की भी व्यवस्था होगी। तो ये बहुत ही अच्छा रहा है उनके लिए। और एक अच्छी बात है कि यहाँ पे पहली बार मेट्रो स्टेशन और बस स्टेशन का कम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। तो इसके सामने ही बस स्टेशन है। तो ये था वीडियो हमारा, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड जर्नी।